हे गाइस, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है एग्जाम में आपको सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देगा। जैसे करने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति दाएं बैठी हुई है, कोई बाएं बैठी हुई है, या फिर एक वृत्त के अंदर, एक गोला के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनाएंगे? आखिर आज ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैंने पर्दाफाश किया था रीडिंग क्लास 3 या 4 में मेरे ख्याल से। लेकिन दोस्तों डिटेल्स आज हम बात करने वाले हैं, तो ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप ये पूरी देखिए। तो ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट, और शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुकुमार झा, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3 बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने के लिए। 3 बात में क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। आप जैसे कहने का अर्थ है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, आपने सुना होगा क्या होता है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, दाएँ बाएँ, ये सब चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिशा ज्ञान अगर नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं मार सकते। दूसरा दोस्तों, समय सीमा। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बिना समय सीमा तय किए ऐसे क्वेश्चन अगर बनाना है एग्जाम में, बहुत जल्दी क्रैक करना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन 5-10 से नहीं होगी, कम से कम 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी घर पर करनी पड़ेगी, तभी आपको वहाँ जाके बनेगी। तो ये समय सीमा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट या फिर घर प्रैक्टिस नहीं किए, वहां जाओगे तो मैं आपको बोलता हूं 100% ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी। तो समय सीमा ख्याल रखना। और तीसरा दोस्तों, गलती से भी ऐसा क्वेश्चन तुक्का ना मारे। अगर तुक्का मारोगे तो 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन रॉन्ग होना ही है। ऐसे कहने का अर्थ है कोई आदमी बोल रहा है कि वह दाएं बैठा हुआ है, ए के बी के, और फ्रेंड्स आपको पता नहीं चल रहा और आप लोग टाइम में, मतलब टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है आपका, और उसी चक्कर में दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में ए बी सी मार के हट जाएंगे। तो वो क्वेश्चन दोस्तों आपको पक्का गलत होना ही होना है, और उस चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। तो ये आपको तुक्का नहीं मारना है, इस बार ख्याल रखें। चल चलते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन कैसे मार, तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने में क्या है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 8 दोस्त है, और 8 दोस्त के बाद में लिखा हुआ है कि ई एफ जी एच एल एम एन ओ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। अब फ्रेंड्स देखो, अब मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में कैसे बने। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी यहाँ भी बनाओगे, वहाँ पर आपको 2 पार्ट में बांट देना है, एक सोल्यूशन पार्ट में और एक आपको संभावना पार्ट, अर्थात पॉसिबिलिटी पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में बता दीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सीधी रेखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप एक सीधी रेखा, एक अच्छा खासा यहाँ पर एग्जाम में इसी तरह करना, ठीक है, एक सीधी रेखा बना लो। और इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो है सो 8 दोस्त है, इसका मतलब क्या समझे कि 8 दोस्त है तो हम इसमें 8 बिंदु देंगे, लेकिन उसकी मुख किस तरफ है, यहाँ इस बात का ख्याल रखना हम लोग को, तो उसकी मुख उत्तर की तरफ है। और आपको मैंने आपको दिशा ज्ञान की चीज और पढ़ाई होगी कि यहाँ पर देखो ऐसे इधर उत्तर, इधर दक्षिण, फिर आपको इधर पूरब, इधर पश्चिम, मैंने आपको ये बताई भी थी फ्रेंड्स। तो आप इस अनुसार करोगे तो उत्तर किधर है पड़ता जानते ही हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आपकी जो हो जाएगी, आपको जो हो जाएगी आपको नॉर्थ साइड वो ऊपर की तरफ रहेगी। अर्थात दोस्तों यहाँ देखिए एक आदमी यहाँ बैठेगा, ठीक है। दो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ओ जो है, ठीक है, ओ जो है दोस्तों वो रेखा के अंतिम छोर में बैठा हुआ है। तो अब दोस्तों बताओ ओ यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि ये भी एक अंतिम छोर आती है और ये भी एक अंतिम छोर आती है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात ख्याल और रखना है कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को हमेशा एक फिगर बनाओगे तो आपको टाइम टेकिंग लगेगा, एक फिगर पर कहीं मत बनाओ दोस्तों। इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा फिगर और ले लिया करो, जैसे कि मैं देखो मैं आपको लेके चलता हूँ, एक एक्स्ट्रा फिगर आपको लेके चलता हूँ। ऐसे फिगर में ले लिया और यहाँ भी फ्रेंड्स मैंने 8 व्यक्ति बैठा दिया, 1, 7 और 8। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी मैंने 8 व्यक्ति बढ़ा दिया, तो आपको यहाँ पर 2 फिगर ले लेनी है। और इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ओ अंतिम छोर बैठा हुआ है। अब फ्रेंड्स मुझे ये बताइए, या तो ओ यहाँ बैठ सकता है, इस फिगर मैंने यहाँ बैठा दिया और इस फिगर में मैं ओ यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, इसका सोल्यूशन हो गया। अब फ्रेंड्स आते हैं, लिखा हुआ है कि ओ और जी के बीच में सिर्फ 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब फ्रेंड्स देखो, अगर ओ यहाँ बैठा हुआ है तो जी कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 व्यक्ति बीच में बैठे हुए, जी यहाँ बैठेगा। वही फ्रेंड्स इसमें आ जाओ तो 1, 2, 3, 4, ये 4 व्यक्ति इसमें, तो फिर दोस्तों यहाँ पर जी यहाँ बैठेगा। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि जी देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ बैठाया और यहाँ बैठाया। फिर दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में। फिर लिखा हुआ है कि दोनों व्यक्ति बैठे हुए, दोनों एफ और एम जी के निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है कि एफ और एम जी के निकटतम पड़ोसी है, अर्थात दोस्तों एफ और एम जी के निकटतम पड़ोसी, हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि देखो जी के निकटतम एफ है और एम भी है। यहाँ दोस्तों तो यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ एम और एफ, ठीक है। चलिए दोस्तों इतना बैच आती है, इस दोनों से कोई एक ही फिगर सही होगा। आइए दोस्तों अब आगे आते हैं, लिखा हुआ है एम और एल के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो एम यहाँ है और एल के बीच में, तो या तो फ्रेंड्स एल यहाँ बैठेगा, है ना, या तो फ्रेंड्स एल यहाँ बैठेगा, ठीक है,
और इसमें देखो तो या तो फ्रेंड्स एल यहाँ बैठेगा, नहीं तो फ्रेंड्स दो बैठेगा यहाँ बैठेगा। तो हम फिलहाल इसमें यहाँ बैठा रहते हैं, इस अपने स्थान में बैठा हुआ है। अब फ्रेंड्स आते हैं एन और ई के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। यहाँ दिखा हुआ है कि एन जो है सो ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इसी कहीं में भी एन और ई का तो कोई समस्या नहीं है, अर्थात दोस्तों ई के तरफ में जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखो, अगर हम इस अनुसार लेते हैं तो ई यहाँ जाएगा और फ्रेंड्स आपको एन यहाँ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखने के लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये बाएं नहीं, ये दाएं जा रहा है, दाएं की तरफ ये जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुक्का तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा कह रहा है यहाँ बाएं की तरफ जाना चाहिए। अर्थात आप क्या समझे कि ये जो फिगर जो सबसे ऊपर वाला है उसमें कहीं भी कोई भी संयोजन नहीं बनना है जिससे हमें ई के बाएं या फिर ई के हम दाएं बैठा दें। अर्थात फ्रेंड्स हम लोग को अब ये फिगर लेकर चलना पड़ेगा सेकेंड वाला को। ये फिगर क्या हो गया, मेरे लिए गलत हो गया। अब ये फिगर दोस्तों अगर लेके चले तो यहाँ देखिए ई बैठाते हैं तो ई के जस्ट बाएं दो यहाँ पर एन आ जाता है, क्योंकि इसमें यहां पर दाएं आ रहा था। ठीक है, इधर से भी करते तो भी यहां पर नहीं, मतलब तुक्का मतलब बोल सकते हैं यहां पर बाएं और दाएं का कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर एल एफ जी एम एन सब कुछ बैठ चुका है, मेरे पास अब क्या नहीं बैठा है था एच, तो एच यहां मैं बैठा दूंगा। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या कर रहा है कि जी के संदर्भ में एल का स्थान क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है। अब बताइए दोस्तों जी यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, अर्थात दोस्तों जी के संदर्भ में एल का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये बाएं जा रही है तो बाएं से ये पहला और दूसरा, मतलब बाएं के दूसरा, जो इसमें ऑप्शन नंबर बाएं दूसरा है वो सही है। फिर देखो लिखा गया है दी गई व्यवस्था के आधार पर एन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है एन के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स जो आठ नंबर देखिए, मैं समय नहीं ज़्यादा मतलब बर्बाद करना, तो आठ का आंसर बी सही है, क्योंकि दिए विकल्प में से कोई भी सत्य इसमें नहीं है, जो जो कह रहा है ऑप्शन में वो होगा ही नहीं, मैं आपको समय नहीं ज़्यादा किल करना। फिर देखो कह रहा है नाइन्थ नंबर में इनमें से कौन यह दर्शाता है कि वह रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। तो देखो यहाँ पर रेखा के अंतिम छोर कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है और ओ बैठा हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो नाइन का आंसर सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एफ जो यहाँ पर ओ हो सकता है और एल हो सकता है, तो ऑप्शन में देखो ओ तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो सकता है एल, तो यहाँ पर एल दोस्तों आंसर है, नाइन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब टेन में देखो ओ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो देखो ओ यहाँ है, ई एक भी नहीं बैठे हुए हैं, अर्थात यहाँ पर हम कोई नहीं टेन का सी मान के आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है इलेवंथ नंबर में एम और एल के ठीक बीच में इनमें से कौन बैठा हुआ है, तो एम और एल के बीच में ठीक बीच में एफ और जी बैठा हुआ है, तो फ्रेंड्स जहाँ भी एफ जी आपको दिख रहा है सी नंबर वहाँ आप मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे देखा, इस क्वेश्चन को मैं जो हूँ कैसे दो फिगर लेके बनाया। अब आपके मन डाउट होगा सर ये क्वेश्चन आप लोग गलती, ये फिगर आपने कैसे गलती किया, तो फ्रेंड्स ये गलती होने का तय ही था, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ कह रहा है कि दाएँ से बाएँ जाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बाएँ से दाएँ का कोई भी समझ नहीं बैठ रहा था, जबकि इसमें काफ़ी आसानी से बैठ जा रहा था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर फिगर नंबर टू आप जब भी बनाए दोस्तों यहाँ पर दो फिगर लेके बनाए, बगल में पॉसिबिलिटी लिखे, तभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलता है अपने इस क्वेश्चन की तरफ में। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि आठ लोग हैं ई एफ जी एच जे के एल और एम केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज में गिर्द बैठे हुए हैं। हरेक का एक भिन्न भिन्न पेशा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लाइमिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वित्तीय विश्लेषक है, वकील है। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोई दूसरा पैटर्न लागू होना पड़ेगा, मैं देखिए दिखाता हूँ आप। देखिए फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन बनाने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि जितने भी लिखे हुए कैरेक्टर, देखो जैसे मैंने इसमें लिखा कैसे लिखा फ्रेंड्स, जैसे लिखा है इसमें एक आदमी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक क्लाइमिस्ट है, तो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, फाइनेंशियल एडवोकेट है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है। तो फ्रेंड्स आपको जो है स्पीड में इसी तरह एग्जाम में कोडिंग बाई कोडिंग लिखना पड़ेगा कौन सी चीज़ क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है गोलाकार मेज बैठा हुआ है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक नहीं दो फिगर सबसे पहले अपने आसपास कॉपी में बना लेनी है, क्योंकि दो फिगर से ही आपको सही बन सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने एक फिगर यहाँ बनाया और एक फिगर यहाँ बनाया। अब दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर में, आइए देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है, ये जो लिखा हुआ है फिगर में इसमें उत्तर की मतलब केंद्र की तरफ, मतलब जो सेंटर है फोकस है उसकी तरफ मुंह किए हुए हैं या फिर उससे बाहर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से लिखा हुआ है केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं, अर्थात इसे क्या समझे कि कोई आदमी अगर अंदर की तरफ देख रहा है समय क्या है दोस्तों, उसका जो लेफ्ट साइड कौन हो जाएगा, जो उसका होता है लेफ्ट साइड बायां साइड वो कौन हो जाएगा, तो इधर से जो जब जाएगा तो वो कब जाएगा कहाँ जाएगा बायां जाएगा, और इधर जब जाएगा क्या जाएगा वो दायां जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि वो केंद्र की तरफ देख रहा है फिर केंद्र की बाहर, अगर लिखा हुआ रहता है केंद्र की बाहर देख रहा है तो फ्रेंड्स ये दायां इधर आता है बायां इधर आता, अगर कहे दायां जाओ तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे,
अगर कहे बायां जाओ तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आप। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एफ जो है के बाएं को दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, अर्थात यहां देखो एफ जो है, मान लो यहां पर एफ है, ठीक है, और वो क्या है के बाएं के दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर के अगर बैठाएंगे तो आप बाएं की तरफ बोले चलिए बाएं जाओ, तो फ्रेंड्स अगर बाएं हम जाएंगे तो किधर से होगा, हम क्या बोले आपको बाएं जब लगा इधर जाएगा, तो इधर जाओगे तो एफ का पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान यहाँ ये हो गया, तो हम यहाँ पर एफ बैठा देंगे अच्छे से। वही दोस्तों इस क्वेश्चन में हम एफ के को यहाँ ले लेंगे और कहेगा यहाँ पर बाएं जाओ, तो मैं पहला स्थान दूसरा स्थान यहाँ मैं एफ बैठा दूंगा, क्योंकि हमको दो डिफरेंट साइज का मतलब चाहिए हमको, तभी हमसे ये बन पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैज्ञानिक के की बगल में बैठा हुआ है, अर्थात समझिए दोस्तों जो भी वैज्ञानिक है वो के की या तो यहाँ बैठा हुआ है या तो यहाँ बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोड में एस लिख कर छोड़ देना है, कोड वर्ड में, ठीक है, घेर देना है, एस मतलब साइंटिस्ट हुआ, और यहाँ भी फ्रेंड्स कोड वर्ड में आपको यहाँ भी एस और यहाँ भी एस लिख के आपको छोड़ देना है, कोड वर्ड में अर्थात साइंटिस्ट हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है वैज्ञानिक के बगल में बैठा हुआ है, वैज्ञानिक और ई के बीच सिर्फ तीन लोग हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम चलेंगे, हम मांग के चलेंगे इसमें वैज्ञानिक यहाँ बैठा देंगे और चलेंगे तीन लोग फ्रेंड्स, तो मांग के चलो दोस्तों इस फिगर को मैं यहाँ हटाया था, क्योंकि हमको एक ना एक सपोर्टिंग लेकर चलना पड़ेगा, हम कितना एक्सप्रेशन लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम देखो यहाँ काम करते हैं, यहाँ हम साइंटिस्ट इसके बिले में यहाँ लेते हैं साइंटिस्ट, चलो ठीक है, यहाँ साइंटिस्ट लेते हैं क्योंकि जो के बल बैठा हुआ है और साइंटिस्ट, और यहाँ देखिए क्या हुआ साइंटिस्ट और ई के बीच में सिर्फ तीन लोग हैं, अर्थात एक दो तीन साइंटिस्ट और यहाँ मैं ई बैठा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर मैंने लिया लेफ्ट साइड, यहाँ मैं लेता हूँ राइट साइड इसके, ठीक। चलो मान लो यहाँ पर साइंटिस्ट है, ठीक है, और यहाँ तीन लोग, एक दो तीन, यहाँ मैं ई बैठा दिया, ऐसे ही बना लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों फिगर को लेकर चलना पड़ेगा। देखो यहाँ कह रहा है साइंटिस्ट और ई के बीच में तीन लोग, मैं यहाँ बैठा दिया, इस क्वेश्चन में उल्टा ले लिया, साइंटिस्ट इसके लेफ्ट साइड ले लिया और यहाँ से तीन क्वेश्चन में बैठा दिया, ताकि हमको दोनों रूप लेकर चलना है, ताकि एक बार में मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। चलो फिर लिख रहा है यहाँ पर कि देख लीजिएगा इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। अच्छा यहाँ पर इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मान के चलो दोस्तों इंजीनियर हम यहाँ, क्योंकि इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति ऐप बैठा हुआ मिलेगा, तो यहाँ मैं इंजीनियर बैठा देता हूँ, इंजीनियर, ठीक है। यहां देखो इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, तथा दोस्तों यहां पर मैं इंजीनियर बैठा देता हूं, एफ उधर है बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आपको यहां पर ये सब लेकर चलना ही पड़ेगा। अब यहां देखो दोस्तों इस क्वेश्चन ऊपर देखो फ्रेंड्स, तो ऊपर हम साइंटिस्ट काटेंगे क्योंकि ये हो चुका है साइंटिस्ट, और यहां मैं इंजीनियर काटूंगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर लिखा हुआ है इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्लाइमिस्ट इंजीनियर के दाईं बगल में है, क्लाइमिस्ट इंजीनियर के दाई बगल में है। तो यहाँ देखो क्लाइमिस्ट तो अगर कहेंगे दाई तो दाई तो इधर जाएंगे, अर्थात दोस्तों क्या क्या यहाँ पर क्लाइमिस्ट है इसके अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार में। अब देखो क्लाइमिस्ट जो है इंजीनियर के दाई बगल में, अर्थात यहाँ पर एफ कौन है क्लाइमिस्ट है इसके अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार, मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब आज कह रहा है कि एम और के, एम जो है के दाएं को दूसरा है, एम जो है दोस्तों एम कहाँ है के दाएं को दूसरा है, अर्थात दोस्तों यहाँ पहला और दूसरा यहाँ पर एम बैठा देंगे, क्योंकि दाएं बोल रहा है यहाँ पर हम एम बैठा देंगे। वही फ्रेंड्स आते हैं एम जो है सो के दाएं को दूसरा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ भी एम बैठा दूंगा, क्योंकि इसके अनुसार यहाँ एम आना चाहिए, यहाँ यहाँ एम आना चाहिए। चलो अब आते हैं यहाँ पर एच एक वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, अर्थात हम समझे कि साइंटिस्ट जहाँ जाए वहाँ एच बैठा दूँ, क्योंकि एच एक वैज्ञानिक है। यहाँ देखो यहाँ मैं एच बैठा दूंगा क्योंकि साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक है। अब आगे आ जाओ लिखा हुआ है जी और जे एक दूसरे के अगल बैठे बैठे हुए हैं, अर्थात जहाँ भी बैठेंगे जी और जे एक दूसरे के अगल बगल में बैठेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखो जी और जे का जगह कहाँ खाली है, इस फिगर में देखो जी जे एक साथ कहीं बैठ सकता है, एक साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर लफड़ा ही है, लेकिन इस फिगर में देखो जी और जे का यहाँ पर है संयोजन, अर्थात जी और जे हम यहाँ बैठा देंगे। अर्थात क्या समझे ये फिगर मेरा क्या हो गया गलत हो गया, इस फिगर से हम लोग नहीं बना सकते, ये फिगर हम मिटा देंगे क्योंकि ये फिगर से नहीं बन सकता। अब इसको हटाना, इसको आगे ले जाना फालतू होगा मेरे लिए, क्योंकि जी और जे का स्थान यहाँ पर नहीं मिल रहा है, हम आगे दोस्तों इस फिगर में ही आएंगे। जी और जे में एक साथ बैठा दिया, ठीक है, न तो जी और न तो जे इंजीनियर, अर्थात न तो जी इंजीनियर है न तो जे इंजीनियर, बिल्कुल सही, क्योंकि इंजीनियर तो यहाँ बैठा हुआ है, ये तो सही हो गया। फिर लिख रहा है वित्तीय विश्लेषक एफ के बाई बगल में बैठा हुआ है, तो वित्तीय विश्लेषक एफ के बाई बगल में, फ्रेंड्स यहाँ देखो एफ के दाएं तो इंजीनियर, एफ के बाई बगल में कौन होगा ई होगा, तो ये क्या है फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठा दूंगा कि एफ के बाई बगल में यहाँ फाइनेंशियल ई बैठा हुआ था, देखो यहाँ पर मैं ये भी काट दूंगा, ठीक है, और मैं क्लाइमिस्ट भी काट दूंगा ऊपर में। अब आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेसर इंजीनियर के बगल बैठा हुआ है, तो प्रोफेसर क्या बैठा हुआ है इंजीनियर बगल में, तो यहाँ देखो यहाँ पर क्लाइमिस्ट तो यहाँ पर है ही, तो प्रोफेसर कौन स्थान बचा था एफ बचा, तो यहाँ मैं प्रोफेसर बैठा दूंगा, प्रोफेसर कौन है एफ एक प्रोफेसर है। अब आ जाओ जी चार्टेड अकाउंटेंट के दाएं दूसरा है, फ्रेंड जी जो है चार्टेड अकाउंटेंट के दाएं दूसरा है, तो देखो एम के दाएं दूसरा कौन है जी, तो जी कौन हो गया यहाँ पर एम कौन हो गया चार्टेड अकाउंटेंट,
क्योंकि दाएं दूसरा बोल रहा था फ्रेंड्स, ये भी कट गया ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें एक भी आप स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो अब फ्रेंड्स देखो फाइनेंशियल हो ही गया, प्रोफेसर हो ही गया, इंजीनियर हो ही गया, क्लाइमिस्ट हो ही गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मैं यहाँ सब बैठा दिया। अब फ्रेंड्स इंजीनियर के लिए बस एक नंबर बैठाना है, तो यहाँ देखो ई बैठ चुका है, एफ बैठ चुका है, जी बैठ चुका है ठीक है, एच बैठ चुका है, जे भी बैठ चुका है, के नहीं बैठा है, तो फ्रेंड्स के भी बैठ चुका है मेरे ख्याल से, हाँ के बैठा, यहाँ पर एल नहीं बैठा था, एल क्या है एक इंजीनियर है। अब फ्रेंड्स अब देखो प्रोफेसर मेरा कट ही चुका है, फिर मेरा बचा सिर्फ डॉक्टर और एडवोकेट बचा हुआ है ठीक है। तो इसमें कहीं भी ये संशय नहीं किया है कौन है डॉक्टर और कौन एडवोकेट है, अर्थात फ्रेंड्स ये समझते हैं कि डॉक्टर और एडवोकेट ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर ये भी दोस्तों डॉक्टर और एडवोकेट दोनों में से कोई एक हो सकता है, अर्थात मैं इस यहाँ पर सस्पेंस लेकर चलूंगा दोनों में से कोई एक यहाँ पर हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब मेरा ये तैयार हो चुका है डाटा, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। तो क्वेश्चन नंबर 128 देखिए क्या लिखा हुआ है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कैब कौन बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए ई के दाएं दूसरे को बैठा हुआ है एक और दो, कौन बैठा हुआ है इंजीनियर अर्थात एल, तो यहाँ देखिए 128 का आंसर सी होगा इंजीनियर ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से प्रोफेसर कौन है, तो देखो यहाँ प्रोफेसर कौन है एफ है, तो यहाँ देखो एफ 129 का आंसर नंबर ए देखो एफ लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स वही आंसर है एफ प्रोफेसर है। अब आते हैं 130 में लिखा हुआ है दी गई समूह के आधार पर निम्नलिखित में से पाँच में से चार किसी प्रकार समान है इसीलिए उनका एक समूह बनता है, वो कौन सा जो समूह नहीं बनाता। तो देखो ई कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ई कहाँ गया, हाँ बिल्कुल सही है फाइनेंशियल है। एफ कह रहा है डॉक्टर, नहीं एफ प्रोफेसर, तो ये गलत बन जा रहा है। इंजीनियर के है, चलो वित्तीय विश्लेषक जी है, वित्तीय विश्लेषक जी है नहीं, अर्थात दोस्तों इसमें सब तो सही है लेकिन देखो यहाँ पर ए नंबर जो देखोगे ई नंबर, ए नंबर का चार्टर्ड अकाउंटेंट ई जो कि मेल बैठ रहा है, अर्थात बाकी सब गलत है लेकिन केवल ए सही है, तो 130 का आंसर आपको ए निकल के आ जाएगा ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है 131 में वैज्ञानिक के सापेक्ष एल का स्थान कौन सा होगा, देखो वैज्ञानिक के सापेक्ष बोल रहा है फ्रेंड्स, देखो एच का स्थान एल के, तो एच के बाएं से दूसरा है, देखो बाएं से दूसरा कौन है, आंसर नंबर सी है, तो 131 का आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस आज के क्वेश्चन में आपको दो ही ले लिया हूँ जिसके अंदर से मैं आपको ये चीज इतना चीज बताया, और आप लोग ये थोड़ा सा ये बजमेंट भी हो गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे भी सिंपल वे में आप लोग को नीचे बताऊंगा कभी किसी और दिन। तो लेता हूँ विदा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो आप एजुकेशन आर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब तक धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।